बिहार, जहां चुनाव छोटा हो या बड़ा, राजनीति दलों की भागीदारी उतनी ही होगी, यानी कि बराबर होती है। किसी भी चुनाव की घोषणा होते ही सभी दल अपने अपने गुणा भाग में लग जाते हैं। तो एक बार फिर से छोटे ही सही, लेकिन चुनावी माहौल आ गया है। और इस चुनावी माहौल में बीजेपी यानी भगवा दल ने महागठबंधन वाली सरकार को फिर चौंका दिया है। आपको बता दें, बिहार में कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी की है। उम्मीदवार चयन को लेकर बीजेपी में पिछले कई दिनों से मंथन का दौर चल रहा था, जिसके बाद जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के सामने बीजेपी ने मैदान में केदार गुप्ता को उतार दिया। कुढ़नी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे की मुख्य वजह उनका जनाधार माना जा रहा है। दरअसल केदार गुप्ता 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 712 वोट से राजद उम्मीदवार अनिल सहनी के हाथों चुनाव हारे थे। राजद कैंडिडेट को 78,549 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी को 77,837 वोट मिल रहे थे। यहां ये भी आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का सहयोग मिलने के बाद भी बीजेपी कैंडिडेट की हार हो गई थी। तो वहीं अगर हम इतिहास की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की चुनाव में जीत हुई थी। उस समय जेडीयू और राजद कांग्रेस का महागठबंधन था। तब बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया था। साल 2015 में बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता को 73,227 वोट मिले थे, वहीं जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 61,657 वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी के सामने जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा की 11,570 मतों से हार हो गई थी। मतलब इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये सीट निकालना आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि ये सीट उसकी झोली में आ जाएगी। वहीं बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं का उपचुनाव के प्रचार के लिए कुढ़नी में तूफानी दौरा शुरू हो गया है। कुढ़नी विधानसभा की जातीय समीकरण की बात की जाए तो सभी दलों की निगाहें भूमिहर, कुशवाहा, सहनी और वैश्य वोटरों पर हैं। राजद के MY समीकरण में मुसलमान वोटरों की अच्छी तादाद है, लेकिन अन्य जातियों के मुकाबले यादवों का वोट कम है। ऐसे में जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की जीत होती है तो ये नीतीश कुमार के लिए तगड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कि जनता को महागठबंधन पर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार ने जनता के जनादेश को हाईजैक करके तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई है। हाल ही में मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, जहां मोकामा में RJD ने जीत दर्ज की तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी ने परचम लहराया। मतलब एक एक सीट पर दोनों खेमों की जीत से मुकाबला टाई हो गया था। ऐसे में इस सीट पर जिसकी जीत होगी वो बिहार की राजनीति में फ्रंट फुट से खेलेगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।